अस्सलामु अलैकुम। आज अशूरा का दिन है, तो अशूरा के दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए, सदका करना चाहिए और नाखून तराशने चाहिए। हमें सुरमा लगाना चाहिए और गुसल करना चाहिए और अपनी फैमिली पे हज करना चाहिए। और 10 मुहर्रम को कहते हैं यौमे अशूरा, इसलिए मेरी फैमिली और मैं भी सुबह सुबह नहाए। सारे कहते हैं कि इस दिन सारे पानी में आ जाती आबिशफा, तो इसलिए इस दिन नहाने से इंसान बीमारियों से बच जाता है। तो हमें उस दिन फिर सुरमा भी लगाना होता है, मेरी सारी फैमिली ने भी लगाया था, और मायरा ने भी, मैंने भी, सारी फैमिली ने। और फिर हमें नाखून काटने होते हैं। तो मैं आपको आज सुन्नत तरीका नाखून काटने का दिखाती हूँ। पहले हमें राइट हैंड की शहादत उंगली से लेकर पिंकी उंगली तक, और फिर हमें लेफ्ट हैंड की शहादत उंगली से वो पिंकी उंगली तक, और फिर हमें थंब लेफ्ट हाथ का, और फिर हमें राइट हैंड का। राइट पाँव की छोटी उंगली से लेकर सीधा जाकर लेफ्ट पाँव की छोटी उंगली, लेफ्ट की पिंकी उंगली तक काटना होता है। और इसके बाद हमें अपनी फैमिली पे हर्ज करना चाहिए और हमें नमाज पढ़नी चाहिए, नफल पढ़ने चाहिए, और कुरान पाक पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और दुआ मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। बाकी की एक्टिविटीज़ खुद देख लें। अल्लाह हाफिज़। تبارك ربنا وتعالى تعالى جل جل والإكرام عليك تشرفنا.